तो यार बुलेट्स वाली गन की अनबॉक्सिंग यार बहुत कर ली दोस्तों, अब समय बदल चुका है, अब गन के अंदर से बुलेट्स नहीं निकलेगी, अब निकलेंगे एरोप्लेन। वाह क्या सीन है, ये पुराना वाला दौर नहीं रहा यार, ये है 2020। माफ करना गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, सॉरी 2022 है, समय का क्या यार, समय बदलते रहता है। तो देख सकते हो यार कुछ ऐसा देखने को हमें मिल जाता है। तो यार बातें तो हम बाद में भी कर लेंगे, तो चलो इसको निकालते हैं बॉक्स से बाहर। तो यार हमें 1, 2, 3, 4 प्लेन देखने को मिल जाता है। तो अगर प्लेन की क्वालिटी की बात करें तो यार ना प्लास्टिक का बना हुआ है और ये ना ही बना हुआ है आपका कागज का, ये फोम का कुछ बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा हल्का है। और यार ऊपर वाले हिस्से की बात करें तो ये प्लास्टिक का बना हुआ है, बाकी इसके हिस्से जो है फोम के बने हैं। और अगर हम गन की बात करते हैं तो देख सकते हो ये हमारा गन है, वाओ गन भी काफ़ी कमाल की लगती है यार, कुछ अलग सा लगता है। बट ये आगे वाला हिस्सा देख के मज़ा ही आ गया, ये नॉर्मल आगे वाले हिस्से में यार गन में होल बना होता है, फिर ये देख सकते हो कुछ एलियन टाइप का या फिर जो भी टाइप का यार बोल लो, बट गन की क्वालिटी यार अच्छी देखने को हमें मिल जाती है। अगर इसमें बात करें फायर एंड रिलोड की बात करें तो देख सकते हो ये वाला हिस्सा इसका रिलोड का है, ऐसे रिलोड करोगे पीछे की तरफ ऐसे कुछ नर्फ के गन जैसे है, और इसको फायर करोगे ये काफ़ी कमाल का है, और देख सकते हो गोल में बना हुआ है, इसको सिंपल से प्रेस करोगे तो ये फायर होगा। अगर एरोप्लेन की बात करें तो एरोप्लेन ऊपर वाले हिस्से में लगता है ऐसे, काफ़ी सिंपल है, इसमें 1, 2, 3 एरोप्लेन देखने को मिल जाते हैं लगाने के लिए। तो चलो यार फटाक से हम इसके अंदर एरोप्लेन को यार लगा लेते हैं। तो देख सकते हो एक एरोप्लेन चला गया इसके अंदर, ये दूसरा एरोप्लेन है और ये रहा आपका तीसरा एरोप्लेन। कुछ यूनिक टाइप का मुझे ये प्रोडक्ट लगा इसलिए मैंने इसको परचेस किया आप लोगों को दिखाने के लिए। देख सकते हो 3 इसके अंदर से लग चुके हैं और तीनों दन दनादन फायर होंगे, तो ये हवा में यार काफ़ी ऊपर जाएंगे उम्मीद है ऐसा। तो यार आप 1, 2 गन और बाइक करके आपस में फाइट करा सकते हो एक दूसरे को, ये आपस में हवा में ही फाइट हो जाएंगी, इसलिए शायद इसका नाम है एयर बैटल रखा हुआ है। तो चलो अब टेस्ट करते हैं यार। उसके पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार तो क्या कर रहे हो यार, अनबॉक्सिंग जोन को मारो फटाक से सब्सक्राइब, क्योंकि हम ऐसे ही अमेजिंग प्रोडक्ट हमेशा आपके लिए लाते रहते हैं। और सबसे जरूरी बात है यार आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो हाँ यार वीडियो को भी लाइक कर दिया करो, क्योंकि यार हमें मोटिवेशन मिले और भी काफ़ी अमेजिंग प्रोडक्ट बनाने के लिए वीडियो यार। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करो यार बस कर लो। तो चलो इसको टेस्ट करते हैं, बट यार यहाँ कहाँ टेस्ट हो पाएगा, इसको तो ओपन में टेस्ट करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं। तो वाव यार देखा यार आपने, पता ही नहीं चला कब ये बाहर चला गया, तो गन तो यार काफ़ी धाकड़ लग रही है। तो चलो यार 2, 3, 4, 5 फ्लाइट है टेस्ट करके मैं आपको और दिखाता हूँ। तो चलो यार टेस्टिंग की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसकी टेस्टिंग तो यार मैंने इंडोर में किया था यार, और इसकी रेंज की बात करें प्लेन के तो कभी कभी तक दूर तक जा रही है, और यार कभी कभी यार नीचे ही पास में ही गिर जा रही है। तो यार कुछ ऐसा सीन है इंडोर में, आउटडोर का नहीं पता यार कितना दूर तक जाएगी। और यार इसकी अगर हम बात करें बाय लिंक का, तो यार अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो यार नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको परचेस भी कर सकते हो। और यार इस नर्फ की राइवल गन की भी वीडियो यार जल्दी आने वाली है, तो देख सकते हो यार काफ़ी तबाही सा ये गन है और काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट है। तो यार चैनल को भूलना मत यार, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना चैनल पे और वीडियो को लाइक भी कर देना, और इसका वीडियो जल्दी आएगा। तब तक के लिए बाय यार, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऐसे अमेजिंग वीडियो के साथ।